नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान और ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखनाथ मंदिर देश विदेश के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र तो है ही। भीम सरोवर, साउंड लाइट प्रदर्शन, संस्कृत महाविद्यालय, गौशाला दर्शनीय स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और पीठ है। नाथ संप्रदाय परंपरा के अनुसार इस स्थान की ऐतिहासिकता त्रेता युग तक जाती है। भगवान शिव के साक्षात अवतार कहे जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ ने त्रेता युग में इसी स्थान को अपनी तपोस्थली बनाया। गुरु गोरक्षनाथ ने राप्ती तट पर जिस जगह तपस्या की और अपनी दिव्य समाधि लगाई, उस जगह गोरखनाथ मंदिर की स्थापना की गई है। करीब 52 एकड़ के सुविस्तृत क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का रूप व आकार प्रकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलता रहा है। वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर की भव्यता और पवित्र रमणीयता अत्यंत कीमती आध्यात्मिक संपत्ति है। मान्यता है कि मंदिर में गोरखनाथ जी द्वारा जलाई अखंड ज्योति त्रेता युग से आज तक अनेक झंझावातों के बावजूद अखंड रूप से जलती आ रही है। यह ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, अखंडता और एकात्मता का प्रतीक है। ये गोरखनाथ मंदिर परिसर में विशेष प्रेरणा स्रोत का काम करती है। इसमें गोरखनाथ जी द्वारा प्रज्वलित अग्नि आज भी विद्यमान है। इसकी राख ही प्रसाद है। गोरखनाथ मंदिर के भीतर गुरु गोरक्षनाथ की संगमरमर की ध्यानावस्था मूर्ति, चरण पादुकाएं तो आस्था का केंद्र है ही। उनके अलावा गणेश मंदिर, काली माता स्थान, काल भैरव और शीतला माता मंदिर स्थित है। भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, हट्टी माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर, श्री राम दरबार, श्री विग्रह देवता, श्री शनि देवता, भगवती बाल देवी, भगवान विष्णु का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। हर रोज मंदिर में असंख्य पर्यटक और यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ मंगलवार को दर्शनार्थियों की संख्या ज्यादा होती है। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है जो खिचड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही और मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए ब्लेस टीवी।